हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के डेट में अगर आप रियलमी के रियलमी 7 प्रो के यूज़र हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रियलमी ने रियलमी 7 प्रो में रियलमी UI 2.0 से पहले ये लास्ट अपडेट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका वर्जन है, क्या इसकी साइज और क्या कुछ इस अपडेट में फिक्स किया गया है। हाँ दोस्तों, साथ में ये भी बात करेंगे कि आपके रियलमी 7 प्रो में जो रियलमी का UI 2.0 है, जो कि एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होगा, वो कब तक मिलने के चांस है और ओपन बीटा कब तक ओपन हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि Realme ने यह ऑफिशियली कर दिया है कि Realme 7 Pro में Realme UI 2.0 जो कि Android 11 पे बेस्ड होगा, वो इसी महीने में उसका ओपन बीटा शुरू कर दिया जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि शुरू में आपको 1000 यूज़र होंगे Realme 7 Pro को, उनको दिया जाएगा कि आप चाहे तो Realme UI 2.0 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये ओपन नहीं हुआ है, जब भी ओपन होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अब अपडेट के बारे में क्या अपडेट आया हुआ है। तो इसके लिए आपको Realme 7 Pro की सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है यहाँ पे शो हो रहा है, और नए सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया है इसका वर्जन यहाँ पे है दोस्तों A.19, और जो पुराना वर्जन था वो A.17 था। और इसकी साइज़ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 230 MB की साइज़ है। और क्या कुछ इसमें अपडेट में मिल रहा है तो एक बार लर्न मोड में दिखा दूँ मैं आपको। तो अपडेट लॉग में बात करें तो दोस्तों कैमरे के ही इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि अभी भी पता होगा कि जो Realme 7 Pro का फ्रंट कैमरा है वो भी अभी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हालांकि दो दो अपडेट आ चुके हैं। अब बात करें दोस्तों क्या कुछ कैमरे में इम्प्रूवमेंट मिला है, तो आपको सबसे ऊपर लिया तो दोस्तों ऑप्टिमाइज द कलर इफेक्ट ऑफ फोटो टेकन विद द रेयर कैमरा। कलर इफेक्ट को लेकर जो रेयर कैमरा में इशू आ रही थी उसको इन्होंने फिक्स किया है, और साथ में दोस्तों फ्रंट कैमरा में जो कलर शिफ्टिंग की इशू आ रही थी, यानी कि जब हम फोटो क्लिक कर रहे थे उसके और जब हम गैलरी में देखते थे तो कलर में कुछ डिफरेंस आ रहा था, तो उस प्रॉब्लम को इसमें फिक्स किया है। और सिस्टम की बात करें तो दोस्तों फिक्स द सम नोन इशू एंड इम्प्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, मैं कुछ सैंपल आपको अपडेट से पहले अपडेट के बाद भी दिखाऊंगा जो फोटो लिया है मैंने। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए अभी तक, तो एक बार मैं अपडेट करके भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जो अपडेट आया था मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट कर लिया था, एक बार मैं आपको सिस्टम अपडेट में भी दिखा दूँ अबाउट फ़ोन में जाके। और सिक्योरिटी पैच की बात करूं तो आपको 5 अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच है इस अपडेट के बाद। और अबाउट सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा नया जो सॉफ्टवेयर है वो A.17 है, और कुछ इमेज आपको मैं दिखा रहा हूं पहले और बाद की, उस पर लिखा भी होगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इस अपडेट के बाद। कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा इस अपडेट के बाद, आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं ओपन बीटा ज्वाइन करना तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।